सेल तोला कमाल 200 में 200 में 200 200 400 500 600 200 भाई देख रहे हो जोर से रेस दूंगा ब्लैक स्मोक जाएगा करते हैं इस नए ब्लॉग की शुरुआत तीन धमाकों के साथ। वैसे मेरे को बोलना था इस नए साल की शुरुआत, बट बात ही है दोस्तों। गुड मॉर्निंग ससिकल की हाल चाल कॉपी टू ऑल। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नया साल चढ़ा है और खुशियाँ लेके आया है। पहली चीज़ है, आपको पता है ZX6R मैं लूँगा, मेरे को प्राइजिंग समझ में आई है तो मैं भी लाइन में लग चुका हूँ। मैं फर्स्ट, लेट्स सी किसको मिलती है। एनीवेज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ आप सबसे मिलने के लिए इसी संडे को 7 तारीख को। तो भैया सब पहुँच जाना जो लोग भी आसपास हैं। एग्जैक्ट लोकेशन है मोहाली बट मैं चंडीगढ़ बोल देता हूँ पता नहीं क्यों, तो वहाँ पे आप सब ने आना है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है और एजेंडा क्या मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे एक नया बाइकिंग स्टोर खुल रहा है जहाँ पे आपको राइडिंग गियर्स भी मिलेंगी, एसेसरीज भी मिलेंगी और साथ में वहाँ पे प्री ओन्ड मोटरसाइकिल्स भी मिलेंगी। स्टोर का नाम है बाइक फॉर्मा और वहीं पे NS1 भी खुल रहा है और वहीं पे हम भी आ रहे हैं। GS पाजी आ रहे हैं और नीलिमा लेके आ रहे हैं, स्पेशल वर्ल्ड फेमस नीलिमा। शायद से वहाँ बर्नआउट भी लगेगा, मस्ती लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी और साथ में गिव अवेज तो है ही हैं मेरी तरफ से भी हैं। मतलब मैं कीचेंस लेके आ रहा हूँ, टी शर्ट लेके आ रहा हूँ, जैकेट लेके आ रहा हूँ, जैकेट नहीं सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, भावनाओं में ज़्यादा हो गया, स्टिकर्स लेके आ रहा हूँ। बट वहाँ पे कुछ बाइक रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं एज अ गिव अवे। अब इम्पॉर्टेंटली तीसरी चीज़, जिस चीज़ के लिए आपने यहाँ पे वीडियो खोला है, दैट इज़ ऑल अबाउट H2। H2 को एक स्पेशल मिशन पर लेके जा रहा हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर हो गया तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है। अब क्या है ये पूरी डिटेल थोड़ी देर में बताता हूँ, बट इतना बता रहा हूँ मैं इस जगह पे 2 दिन पहले भी आया था और उस दिन जो इसमें मैंने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाया था ना H2 में, उसको निकाल के वापस में मैंने अपना पुराना SC प्रोजेक्ट लगवा लिया था। क्या बदमाशी हो रही भाई, क्या बदमाशी हो रही है? ठीक है रोको उसे जरा, हमें ऑडियंस को दिखाने तो दो। हम भी अभी पहुंचे, थोड़ा लेट हो गए दोस्तों, ट्रैफिक बहुत था। बट मेरे साथ में है राइडिंग विद पीस, व्हाट्स अप? सेल तोला कमाल 200 में 200 में 200 200 400 500 600 200। सो भाई ये देखो, ऐसे हमारे पहुंचने से पहले ना हमारा एग्जॉस्ट उतर चुका था बट फिर भी हमें देखने को मिल गया कि कितना लाइट है। उठा के देखो जरा, नो वेट एट ऑल गाइस, जस्ट इमेजिन, आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से उठा पा रहे हैं। सो दिस इज लाइट वेट बिकॉज दिस इज टाइटेनियम और इसके हेडर देखो कैसे होते हैं। हेडर कभी देखो ऐसा नहीं मिलेगा, गोल होते हैं जनरली, है ना? तो ये है H2 के हेडर्स, तो आपको मतलब बिल्कुल समझ आ जाएगा अगर कभी भी आप देखोगे। फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, ये जो है ना शेप H2 के लिए, बाकी जनरली होते हैं राउंड हेडर्स। तो वो है फुल सिस्टम, मतलब उसके अंदर में आपको कैट जो है ना कैटलेटिक कन्वर्टर ये नहीं दिखता है, इतना बड़ा होता है और ये बहुत भारी होता है। एक हाथ के मेरे 2 हाथ से नहीं उठेगा। एक बार इसको उठा के देख, जस्ट एक्सपीरियंस की कितना वेट होता है। ओ भाई ये तो बहुत भारी है। कम से कम 15 या 20 किलो का दोस्तों, मतलब जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है इसको ऐसे एक हाथ से भी उठाना क्योंकि दिस इज वेरी हैवी। भाई भाई जान लगी, पकड़ो 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 पकड़ो। जैसे चाय में चीनी ज्यादा होती है पी नहीं जाती, वैसे ही बाइक बहुत ज्यादा लाउड हो गई थी, चलाई नहीं जा रही थी। यस, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, पता है आपको, मतलब इतने बैकफायर मार रही थी कि मैं खुश नहीं था। भाई ऐसा ना, इतने पैसे भी लगाए और उसके बाद आप कंफर्टेबली चला नहीं पा रहे हो सिटी के अंदर भी। जहां मैं थ्रॉटल छोड़ता था वहां बैकफायर आता था, जहां गियर शिफ्टिंग होती थी अप शिफ्ट होता था वहां बैकफायर आता था, और उसके बाद ना बहुत लाउड थी एज अ राइडर को भी और थोड़ा छिछोरापन लग रहा था मुझे, है ना? और ना तो, चाहते हुए भी चलान कट जाता। हाँ, ना चाहते हुए चलान कट जाता, तो मेरे को लगा कि यार नहीं, पैसे बचा लेने चाहिए और यही पैसे पोर्शे की सर्विस में लगा लेने चाहिए। सो हमने एग्जॉस्ट उतार दिया, अभी के लिए स्टॉक एग्जॉस्ट डाल दिया एंड इनफैक्ट यहाँ पे जिस टायर पे मैंने बर्नआउट मारा था वो भी उतर चुका है। सो ये है पुराना टायर, आप देख सकते हो अच्छे से ना, मतलब बीच में से गया है, इट्स गॉन। सही है, चलो लेट्स हैव दिस। ये भाभी जी ने बोला होगा रोज बाहर का खा रहे हो, हैं आज घर से पैक करा के ले जाओ। पिछले 5 दिन से रोज बाहर खा रहे हैं हम लोग। यहाँ क्रिएटिविटी भी चल रही है भैया, योगा से ही होगा। योगा से ही ये वो है, योगा से ही होगा, देख रहे हो वो बन रहा है। अब आप लोगों के साथ साथ मैं भी भूल चुका हूँ कि भाई ऐसी प्रोजेक्ट इसमें साउंड कैसे करता था, तो वार्म अप भी कर लेते हैं, स्टार्ट भी कर लेते हैं। हाँ, कितना शांत है, इन द सेंस
जब आप इसको फास्ट चलाओगे तो बहुत लाउड होगा, जब आप फुल थ्रॉटल खोलोगे बहुत लाउड होगा, बट जब आप डिसेंटली कम्यूट कर रहे हो ना, आराम से चला रहे हो, तो बहुत लाउड नहीं होगा। देखो अभी चुभ नहीं रहा। इसकी जगह जब मैं फुल सिस्टम ऑन करता था ना भाई, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता था। बट अभी देखो यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है, वो है इसका बेली। यहाँ पे लगता है इसका बेली और ये जो वायर है ना ये चुभ जाता है। सो बेली अभी यहाँ नहीं है करोल बाग में, मासूम की शॉप में, या तो मैं पोटर करवाऊँगा या मैं जाऊँगा। बट आज ये जो रैप है ना, ये डेफिनेटली उतरने वाला है। सो यहाँ पे है कार्बन पार्ट और ये रहा वाइट रैप। अच्छी बात है, मैंने ना प्रीमियम क्वालिटी का रैप करवाया था। दिस इज ऑन द आइवरी, मतलब एक मटेरियल आता है आइवरी विच इज़ लिटिल एक्सपेंसिव बट विच इज़ गुड। ना तो वो निशान छोड़ता है और जल्दी उतर जाता है, ना तो वो टूटता है। मतलब मेरे हिसाब से ना एक एक पीस एक एक बारी में उतर जाएगा। देखो अभी ना ये ब्लैक जोर से रेस दूंगा, ब्लैक स्मोक जाएगा, ये अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। बेसिकली क्या है, कार्बन जम जाता है ना, सो ये निकलता है ऐसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है और बहुत टाइम से ना ये एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है और इनफैक्ट ये भी खुला हुआ पड़ा था। बट आई एम हैप्पी नाउ भाई, आई एम हैप्पी। मेरे को पता है जो लुक है ना वो कॉम्प्रोमाइज ज़रूर से हो गया। और यहाँ से अभी जो चीज़ें गर्म हो रही हैं, देखो धुआं भी छोड़ रही हैं, इट इज़ स्मोकिंग। तो थोड़ा एक बार वार्म अप होने देते हैं, देख लेते हैं कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, उसके बाद ही इसको यहाँ से चलाते हैं। बड़ी आवाज अच्छी है यार, ये अच्छी है, उससे तो वो बहुत लाउड हो रहा था। भाई देखो मेरे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज स्टिल सो लाउड मैन। मतलब अच्छी बात है, चलो आई मेड अ डिसीजन, एटलीस्ट बैकफायर नहीं मार रही है। मतलब पहले क्या हो रहा था ना, इतने में तो 10 बार ये भट 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 और पीछे से आग छोड़ती है बड़ी बड़ी, विच इज इन अ लॉन्ग रन नॉट गुड फॉर द इंजन। इसके अंदर में कैटलेटिक कन्वर्टर भी लगा हुआ है और उसके बावजूद इट इज स्टिल सो लाउड, सो आई थिंक गुड चॉइस। अरे तो छोटा सा बे, इतना क्यों भोंक रहा है? ओए छोटू। ओहो, छोटू का बड़ा भाई भी आ गया। ओए कालू, बेबी मैं तेरा दोस्त हूँ बबू, आ जाओ, आओ मेरे पीछे भी जाओ, कम। खुश बेबी, ना पापा, खुश। एथेनू, फिर आ जाएंगे कुत्ते, भागो। आकाश बाबू, ये क्या कर दिया हमारी H2 के साथ? भाई जी, जिंदगी में रंग भी तो होने चाहिए। रंग बिरंगी H2 भाई, अगर इमेजिन करो ये सारे इस कलर में डाल दें, हम मजा आ जाएगा ना। हम अभी तक सोच रहे थे यार सिंगल कलर इनमें से कौन सा शेड जाएगा, बट अभी वीडियो बनाते हुए ख्याल आया कि अगर हम अपनी जिंदगी में जो रंग है ऐड करना चाहते हैं ऐसे हम बाइक पे कर दे तो है भाई, मजा आ जाएगा सीरियसली। एनीवेज अभी आपको एक साइड बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, पीछे देखो जरा, जीएस रैप्स, तो ये अपना है। अब आपको पता है यूट्यूब पे व्यूज तो आ नहीं रहे, तो भैया ये हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे होगा? वो होगा हमारे साइड बिजनेस से। हमने क्रिप्टो में पैसे लगाए, हमने स्टॉक में लगाए, हमने यहाँ भी लगाए और यहाँ पे हम लोग रैप कर रहे हैं आप सबके लिए। क्यों भाई? और सबको अपनी बाइक लेके यही आना है, गाड़ी लेके आना है, गाड़ी में मार्जिन ज्यादा है भाई, गाड़ी में मार्जिन ज्यादा है। अभी
सीन ऐसा है कि पुराना रैप उतर गया, थोड़ा बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा था वो। और नए रैप के लिए ना 3 या 4 ऑप्शन हमने ट्राई किए थे वेनाइल के, पर द थिंग इज कि कोई भी दिल को उतना नहीं जच रहा है। या तो मेरे को कस्टम ग्राफिक करवाने पड़ेंगे, या थोड़ा इंतज़ार करके कोई ऐसा कलर ढूंढना पड़ेगा जो जल्दी से आपको नहीं मिले। मतलब देखो, कलर तो ये भी अच्छा है जो पीछे हो रखा है, बट अगर ये करा दिए तो सेम लगेगी, जो अपनी S1000 आ रहा है ना बिल्कुल मैचिंग कलर हो जाएगा। तो इसीलिए आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, अच्छा लगे, ब्राइट हो, बट मतलब क्लास हो, ऐसा ना हो कि आपको लगे यार ये क्या बना दिया S2 का। तो इसीलिए वक्त लिया जा रहा है, अभी आकाश यहाँ से S2 बाहर निकाल रहा है, इसको लेके जा रहा हूँ मैं डिटेलिंग के लिए, क्योंकि अभी ना थोड़ा गर्मी है भाई, क्योंकि रैप पुराना उतरा है तो थोड़ा सा बफिंग वगैरह की जरूरत है। बट यार ओए बैट मोबाइल, मैं बता रहा हूँ बैट मोबाइल। आई गेस मैं दोबारा सोच रहा हूँ कि यार ये क्या लग रही है, बम लग रही है भाजी। भाई सीरियसली, सिर्फ यहाँ पे अगर इसके विंगलेट वापस लग जाए, क्योंकि मेरी नज़र जा रही है ये टूटे हुए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बैक इन स्टॉक बहुत ही अच्छी लग रही है, बैट मोबाइल लग रही है, पक्की बात है। बिल्कुल। एंड अभी मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन मैं इसको ऐसा चलाऊं, जब तक मेरे को वो चीज़ नहीं मिलती जो मैं ढूंढ रहा हूं, मतलब वो कलर या वो डिज़ाइन फॉर दी S2। बिकॉज भाई एक ही अप्रोच होनी चाहिए, क्लासी लगनी चाहिए, जस्ट लाइक अपनी हसीना। बिल्कुल। पोर्शे पे भी जब मैंने डिज़ाइन किया था ना, तो सबसे बेसिक थॉट था कि कुछ भी ओवर नहीं होना चाहिए, क्लास नहीं जानी चाहिए। जो कैटेगरी की बाइक है ये, जो कैटेगरी की गाड़ी है, वो क्लास मेंटेन होनी चाहिए। ये भी लोकेशन अच्छी है फोटो वोटो खींचने के लिए, बट देखो लोगों ने आग जला ली है क्योंकि शाम हो रही है, ठंड बढ़ रही है, बट भाई ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही है यार भाई। अब आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार, क्या कुछ दिन इसको ऐसे ही चलाऊं ब्लैक बीस्ट, या जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें इसको कलर करके लेके जाऊं, एक हटके कलर जो इंडिया में किसी ने ना कराया हो ऑन दी S2। तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, बट फिलहाल अभी मेरा दोस्त दोबारा मिल गया। हेलो, हाय, हाउ आर यू कालू छोटू, इतना गुस्सा क्यों है, अबे क्यों हो गया भाई, ओहो सारी एनर्जी वेस्ट कर दी इसने। सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या रहा, जब अनरैप हो रहा था ना, मेरे को ये स्टिकर दिखा ना नॉइस बम, ओए मैं डर गया, मेरे को लगा पीछे गाड़ियां ठुक गई भाई साहब, आई गॉट स्केयर्ड। बट अच्छी बात है कि जहाँ पे रैपिंग हो रही थी ना, वहाँ से बहुत ही पास में मतलब एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो हुआ है। ओ हो, मैं वही कहूँ मेरे को आवाज़ आई है, बट रियलिटी में यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। ओ शिट, मैं बच गया भाई, 3 गाड़ियाँ ठुकी हैं यहाँ पे। अरे मैं ये रेड लाइट पे ही था, मैंने को रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे को लगा भाई कुछ हुआ है, मैं यहीं खड़ा था, बिल्कुल यहीं खड़ा था मैं। कैसे हो? 3 गाड़ियों में हुआ ना ये लगी, वो लगी। ओ भाई साहब, इसके जस्ट आगे मैं था भाई, इसके जस्ट आगे मैं था, बच गया। भाई देख रहे हो अब क्या है, जिनकी गाड़ियां ढुकी है वो वहां पे लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं और उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज भी होगा, बट एक बारी को बहुत जाम लग गया था इधर भाई, सीन हो गया, फिर बच गया मैं, इतना सा बचा। पता है ये वाली रेड लाइट से मैंने टर्न लिया, मैं खड़ा हुआ था उधर, बहुत जोर से आवाज आई, मैंने वीडियो में भी बोला, रिकॉर्डिंग ऑन थी, मैंने वीडियो में बोला, मैंने कहा लगता है एक्सीडेंट हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा मुझे नहीं दिखा, मैंने जैसे यू टर्न लिया ना यहाँ से सारे लोग भाग रहे थे उस तरफ को, मैंने जाके देखा 3 गाड़ियां ठुकी हुई थी, और फिर जब तक मैंने बाइक लगाई मार कुटाई भी हुई, जिसकी भी गलती थी, अब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, 3 गाड़ियां डैमेज हुई हैं एट अ टाइम। हसीना को बाहर निकालने का हो गई है, थोड़ी देर पहले निकाल देना तो मजा डबल था।
अभी गाड़ियाँ खूब चल रही हैं आगे पीछे। हालत खराब हुई भाई, चेहरे पे आ रही है, इसके चेहरे पे आ रही है, फट गई। क्या फील कर रहा है? मेरी फट गई भाई, कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम में फटती है। बिल्कुल, ये एक अच्छा डायलॉग है। हाँ, फर्स्ट टाइम में फटती है। I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gonna lose no sleep. You don't hop in this Jeep.